हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपको कोरोना वायरस से बचने के लिए, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए एक एप्लीकेशन बताने वाला हूँ। भारत सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया है और मैं चाहता हूँ कि ये सभी को पता चले, आप हो या आपका दोस्त रिश्तेदार जो भी हों, सभी को पता चले, क्योंकि बहुत ही यूजफुल है। और जिस समय तक ये संकट रहता है, ये बीमारी रहती है, तब तक आपको अपने फ़ोन पर इसको रखना ही रखना है। बहुत छोटा सा एप्लीकेशन है, 2 MB का है, और कैसे यूज करना है उसको मैं पूरे तरीके से आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है, और प्ले स्टोर पर जाने के बाद में यहाँ पे सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में इस तरीके से आइकन होगा, यहाँ पे आपको सर्च करना है। आप देख लीजिए, आरोग्य सेतु। दोस्तों सबसे पहले आपको आरोग्य सेतु यहाँ पर सर्च करना है, आप देख लीजिए। इसके बाद हमें सर्च बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आरोग्य सेतु हम सर्च करते हैं, सबसे पहले सबसे पहले आपको इस तरीके का आइकन वाला दिख जाएगा। आरोग्य सेतु पीला निशान है, आइकन है इस तरीके से, दिल का निशान बना हुआ है, आप वही वाला डाउनलोड कीजिए। तो मैंने डाउनलोड किया है। अब सबसे पहले इस ऐप के बारे में बता देता हूँ। यह आप देख लीजिए, अभी लॉन्च हुआ है कल के दिन। 4.6 की रेटिंग है, 1 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। बहुत अच्छा ऐप है, और भारत सरकार की ओर से ये किया गया है कोरोना वायरस से बचने के लिए, क्योंकि बहुत यूजफुल है। सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं और आप देखिए इसको यूज कैसे करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी लैंग्वेज चुननी है। यहाँ पर आपको 11 से ज़्यादा लैंग्वेज मिल जाएंगी। भारत से संबंधित अगर आप किसी भी स्टेट में रहते हैं, तो उससे संबंधित आपको लैंग्वेज भाषा मिल जाएगी। आप अपने शहर के अनुसार भाषा चुन सकते हैं, अपने स्टेट के अनुसार। मैं हिंदी चुन लेता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट बटन पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है, नेक्स्ट बटन। तो नेक्स्ट में मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, आपको पढ़ लेना है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है कि हम सभी भारत में फैल रहे कोरोना वायरस महामारी को रोकने में सक्षम हैं, और नीचे भी दिया गया है। तो आपको 3 बार 3 बार इस तरीके से यहाँ पर लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ कर देना है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है रजिस्टर, तो रजिस्टर यहाँ पर ये लिखा है, तो इस रजिस्टर के आइकन पर हमें क्लिक करना है। और रजिस्ट्रेशन के आइकन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर कुछ चीज़ें दी जाएंगी। आपका मोबाइल लोकेशन मांगेगा, क्योंकि ये उनको ट्रैक करता है, जो जिनको कोरोना होता है उनको ट्रैक करता है, आपको बताता है, आपकी रक्षा करता है कि कहीं आसपास किसी तरीके कोरोना का संकट तो नहीं है, इसलिए लोकेशन मांगता है, ब्लूटूथ मांगता है। और ये भारत सरकार का है, तो ये आपके डाटा को शेयर नहीं करता है, तो इसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सहमति हूँ पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर अलाउ कर देते हैं, और अलाउ मैंने कर दिया है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर मांगता है, तो मैं मोबाइल नंबर अपना डाले दे रहा हूँ। मैंने मोबाइल नंबर फिल कर दिया। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ OTP आएगा, और OTP आने के बाद में अपने आप वो OTP आया, और OTP आने के बाद अपने आप वो ले लेगा, सबमिट कर देगा। आपको OTP भी फिल नहीं करना है, ऑटोमेटिकली OTP आपको ले लेगा वो। इसके बाद जितनी भी सारी डिटेल है, कुछ इस तरीके का आइकन शो होगा, आप ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है आप सुरक्षित हैं, और आपका जोखिम स्तर कितना है, ये सब आप देख सकते हैं। आपके द्वारा प्रदान किए गए सेल्फ असेसमेंट डेटा एवं किसी संक्रमित व्यक्ति की निकटता के आधार पर है। यहाँ पर आप जो भी देखेंगे, फिल करेंगे, उसी के आधार पर ये पता करता है, या जो भी व्यक्ति फिल करेगा इसमें अपना डाटा, उसी के आधार पर ये पता करता है कि कौन बीमार है, कौन कोरोना वायरस से संक्रमित है। दोस्तों कोई नहीं, कुछ नहीं करना है आपको।
अगर आपको किसी तरीके की दिक्कत होती है, वेबसाइट है, और ये सारी चीज़ आप पढ़ लीजिए, बहुत यूजफुल है, पढ़ लीजिए, क्योंकि एक एक करके मैं बताना थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, आप पढ़ लीजिए। आप इस बटन पर क्लिक करना है, COVID-19 सहायता केंद्र, इसमें तो इसमें आपको क्लिक करेंगे तो इसमें आपको वो सारे कॉन्टैक्ट मिल जाएंगे जो आपको चाहिए, किसी भी स्टेट से संबंधित हो, महाराष्ट्र, मेघालय, उत्तर प्रदेश, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तराखंड, जितने भी स्टेट हैं और भारत में उससे संबंधित यहाँ पर आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएंगे। तो आपको कहीं और कांटेक्ट नंबर कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, तो इसमें आपको जाना है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के आधार पर आपको इस तरीके से कुछ आइकन शो होगा, मैं आपको बस दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप ध्यान दें, अपनी जानकारी के अनुसार अपनी जो डिटेल है उसकी सही सही जानकारी दें। कृपया ध्यान दें, इस कॉल से दी गई जानकारी का उपयोग वर्तमान स्वास्थ्य संकट की निगरानी और प्रबंधन एवं COVID-19 के विरुद्ध अनुसंधान के लिए किया गया है। तो यहाँ पर आप सारी डिटेल है सही सही भरेंगे तभी ये काम कर पाएगा, क्योंकि अगर आप सही नहीं भरेंगे तो ये डिटेक्ट करने में इसको मुश्किल होगी। पुरुष है तो आप पुरुष भर दीजिए, महिला है तो महिला भर दीजिए, तो उसी अनुसार जैसे मैं पुरुष हूँ पुरुष भर देता हूँ, अपनी एज है एज भर दीजिए, एज मांगता है, मेरी 20 है मैं 20 भर देता हूँ। इसके बाद ये पूछता है कि क्या आप किसी फीवर या खांसी या सांस लेने की परेशानी से दिक्कत है, इसमें मैं नहीं कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको लिखा है क्या किसी प्रकार का आपको रोग है, मैं यहाँ पर नहीं कर देता हूँ। इसके बाद किस क्या कह रहे, 14 दिन के पहले ही आपने कोई भी विदेश यात्रा की है, मैं नहीं कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि क्या आप कोई कर्मचारी हैं, यहाँ पर लिखा है मैं एक स्वास्थ्य कर्मचारी हूँ, मैं सुरक्षात्मक गियर के बिना COVID-19 पुष्टि के मामले में जांच की है, और या हाल ही में किसी COVID-19 व्यक्ति के से मिलना हुआ है। तो ये आप अपनी जो आपकी अगर आपने मिला है तो आप भर दीजिए कि मैंने मिला है किसी से, नहीं मिला है तब भी आप भर दीजिए कि मैंने नहीं मिला है, या क्या आप स्वास्थ्य कर्मचारी हैं तो आप ये वाला ऑप्शन चूज करिए, अगर नहीं है तब आप इनमें से दोनों कुछ नहीं है तो आप इनमें से कोई नहीं चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपका आ गया स्टेटस कि आपको जो संक्रमण है वो बहुत कम है, अर्थात आपके संक्रमण की जोखिम बहुत कम है। अगर आपको किसी तरह की दिक्कत होती है तो इस वेबसाइट पर जा कर के जानकारी दीजिए, और अगले 2 हफ्ते में आपको खांसी, जुकाम, बुखार या सांस लेने में कोई दिक्कत होती है तो आप तुरंत परीक्षण के लिए जाइए और इस वेबसाइट पर अपनी आपको जानकारी दीजिए, रजिस्टर करके सारा नाम बता के। तो ये सब सारे फीचर हैं, और अब इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर जो भी लेटेस्ट है, ये लोग हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अर्थात इंडिया की तरफ से, वो भी जो जो भी पोस्ट होती हैं यहाँ पर आपको सही सही चीज़ें दिखाई देती हैं, जो फेस ये जो व्हाट्सएप में जो फ्रॉड की तरीके से बहुत सारे मैसेज होते हैं अफवाह वाले, वो यहाँ पर नहीं दिखाई देते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने क्या ट्वीट किया है, इसके बाद बहुत सारे हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, इसके बाद बड़े बड़े लोग चाहे वो बॉलीवुड के हों चाहे बड़े बड़े बिजनेसमैन हों, जो भी एक्यूरेट मैं कहना चाहता हूँ जो भी पॉजिटिव नॉलेज है, जो बिल्कुल करेक्ट नॉलेज है, वो यहाँ पर आपको मिलेगी, किसी तरीके की और दिक्कत नहीं होगी, अफवाह वाली चीज़ यहाँ पर नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि पीएमओ ने क्या ट्वीट किया है, प्रधानमंत्री जी ने, और उनकी हर एक चीज़ की पल पल की खबर ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप एक COVID-19 के बारे में जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। तो PDF के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं उस PDF को डाउनलोड लेता हूँ, थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो PDF है वो डाउनलोड हो चुकी है, और इस तरीके से जो हेल्थ मिनिस्ट्री की PDF है यहाँ पर आएगी, वो आपको दिखाई दे जाएगी कि ये है क्या COVID-19 है क्या, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी, इससे बचाव कैसे करना है, हमें क्या क्या ख्याल रखना है,
खुद को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए और अपनों को बचाने के लिए। इसके बाद हमें कांटेक्ट कहाँ पर करना है और हम क्या करें अगर हम हो भी जाता है, हमें किसी तरीके का संक्रमण हो जाता है तब हम क्या करें, उसके लिए यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर आपको ये देखा है कि बार बार हाथ धोएं है, आपको पूरे एसटीवल्टी में आपको मिल जाएगी। इसके बाद क्या करना है, मुंह को ना छुएं, और अगर ये डॉक्टर की सलाह माने या जो भी हैं। इसके बाद अगर किसी तरीके की दिक्कत होती है तो ये कांटेक्ट नंबर दिया गया है भारत सरकार का, वहाँ पर आप कॉल करें। इसके बाद अगर नीचे आएंगे तो नीचे भी आपको इससे संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। 7 पेज हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ पर हर एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यूजफुल है। तो आप इस तरीके की देख लीजिए, कोरोना वायरस रोकथाम प्रबंधन में फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं की भूमिका क्या है, ये आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। इसके बाद किस समूह के लोगों में COVID-19 होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है अधिक होती है, जो खतरा होता है अधिक होता है। इसके बाद यहाँ पर अब क्या, यदि आपको COVID-19 के लक्षण दिखाई देते हैं तब आप क्या करें और क्या नहीं करें, कहाँ संपर्क करें, वो भी डिटेल में है। इसके भी ये 7 पेज हैं और ये भारत सरकार की तरफ से दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किए गए हैं। यहाँ पर किसी भी अप तरह की जो अफवाहें हैं उससे भी आप बचेंगे। तो आप अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आप इन 3 डॉट पे क्लिक करके आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। 3 डॉट पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको शेयर का ऑप्शन आएगा और शेयर भी कर सकते हैं सबसे ऊपर। तो मुझे नहीं करना अभी, मैं यहाँ पर जाता हूँ बाइक में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है COVID-19 में क्या करें और क्या ना करें। तो यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर PDF डाउनलोड होगी कि COVID-19 में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको वो भी बहुत बहुत ध्यान से पढ़ लेना है। यहाँ पर आप ये देखें कि नोवेल कोरोना वायरस है क्या और खुद रहें सुरक्षित कैसे रहें, दूसरों को सुरक्षित कैसे रखें, क्या करें और क्या ना करें। तो ये भी इसका एक पेज है, आप इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ये पहले ही जो मैंने PDF दिखाई उसी में शामिल था, पहला पेज था। तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर जितने भारत सरकार के हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के हैं, ये आप लिख के रख लीजिए, और ईमेल आईडी है ये आप बिल्कुल ही लिख के रख लीजिए, बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपको COVID-19 की सुरक्षा के उपाय के लिए इसमें भी आपको एक PDF मिलेगी, इसको भी आप डाउनलोड कर लें और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ और अपनों के साथ बिल्कुल शेयर करें, ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। एक बात और, अगर आपको भाषा अपनी चेंज करनी है तो आप यहाँ पर जाइए और सबसे पहले यहाँ पर 3 डॉट पे जाना है और यहाँ पर आपको भाषा चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर जाना है और यहाँ पर आपको भाषा का ऑप्शन है, यहाँ पर जो भी आपको भाषा चुनना है यहाँ पर अपने अनुसार भाषा चुन सकते हैं। इसके बाद आपको बैक आ जाना है अगर नहीं चुनना है। इसके बाद अगर आपको दूसरे को ये बताना है तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर ये शेयर का ऑप्शन बना है, शेयर दूसरों के साथ साझा करें और उनकी रक्षा करें। तो यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर ये अपना आपका व्हाट्सएप है और भी चीज़ें हैं ओपन कर देगा, उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो जो मैंने आपको जानकारी दी है आपके लिए यूजफुल रही होगी, और अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो आप बिल्कुल हमारा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना हमेशा ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। कोशिश कीजिए कि आप घर से बाहर ना निकलें, घर में ही रहें जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, और इम्यूनिटी हमेशा बढ़ाते रहें, अच्छी चीज़ खाते रहें और कोशिश करें कि हम बाहर की जो बेकार की चीज़ें हैं, जंक फूड हैं, उनसे बचें, अपना ख्याल रखें। मैं दुआ करता हूँ कि अपना देश और आप लोग बहुत सुरक्षित रहें, हमेशा हमेशा खुश रहें।